जैन साथियों, आज हम जिस यात्रा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जन संवाद पद यात्रा। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि एक यात्रा कई किताबों के बराबर ज्ञान देती है, लेकिन कुछ अनुभव सिर्फ यात्रा ही दे सकते हैं। उसी प्रकार हमारे द्वारा जो यात्रा की गई वह 51 दिवसीय पद यात्रा थी, उसको 44 दिन में पूरा किया गया। यह यात्रा कई अनुभव और कई किताबों के बराबर ज्ञान और एक नई अनुभूति हमारे मन मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ गई। इस यात्रा की विशेषता यह है कि यह एक पैदल यात्रा रही है, जिसे जन संवाद पद यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा लगभग 400 ग्रामों की है और लगभग 1300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए 44 दिन में संपूर्ण यात्रा की गई, जिसमें मां नर्मदा जी की असीम कृपा व प्रेरणा से ब्रह्मकुंड घाट के तट पर सम्माननीय श्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय भाई साहब प्रहलाद सिंह जी पटेल के अनुभवों और प्रेरणा से यह यात्रा शुरू की गई और हमारी नरसिंहपुर के लाडले व लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री जालम सिंह जी पटेल मुन्ना भैया व समस्त कार्यकर्ताओं और साथियों के सहयोग से यह यात्रा शुरू की गई। हमारे नेता श्री पटेल जी पूर्व में कई पैदल यात्राएं कर चुके हैं, उन्हीं के द्वारा हमें बहुत से अनुभव और प्रेरणा समय समय पर मिलते रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि हम लोगों के बीच जाएं, उनसे मिलें और उनकी जीवन शैली व उनके गांव के हालचाल वर्तमान स्थिति से अवगत होना और लोगों व समाज के बीच क्या समस्याएं हैं उनको जानना, जिससे आने वाले समय में हम सब गुटगांव विधानसभा के संपूर्ण लगभग 400 गांवों का विकास किया जा सके। इस यात्रा में 3 आधार स्तंभ थे: विकास का संवाद, पर्यावरण का संदेश, राष्ट्रीय निर्माण का लक्ष्य। इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर हमारी यात्रा संपूर्ण की गई और हमारा यह उद्देश्य रहा है कि जितनी भी योजनाएं व सहायता सरकार के द्वारा की जा रही है, कहां कमी रह गई है उससे हमें अवगत कराएं, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। पदयात्रियों के नाम इस प्रकार हैं: पदयात्राओं में पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे सम्माननीय श्री हाकम सहजी चड़ार, पूर्व विधायक गोटेगांव; सम्माननीय श्री महेंद्र नागेश जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरसिंहपुर; जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजेश झारिया जी, पूर्व सरपंच महेश झारिया जी, ध्वजवाहक जो ध्वज को लेकर चल रहे थे; युवा साथी ठाकुर जितेंद्र सिंह राजपूत समस्याओं को जो लिख रहे थे; मंडल अध्यक्ष श्री अभिषेक सहजी पटेल; जनपद अध्यक्ष श्री भागीरथ मुडिया जी; वरिष्ठ सहयोगी यात्रियों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री निधान सहजी पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री एकम सहजी पटेल, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष कुमार द्विजी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री ठाकुर सहजी पटेल, मंडल अध्यक्ष राजकुमार गुमस्टा जी और मंडल अध्यक्ष नीलेश काकोडिया जी। इस यात्रा में हमारे बड़े ही अच्छे अनुभव रहे हैं। प्रत्येक गांव जाकर कार्यकर्ताओं व ग्रामवासियों से मिलना, उनके मन की बात को समझना, उनसे संवाद करना। हमारी यात्रा सुबह 9 बजे प्रत्येक गांव से निकल जाती थी, लगभग 6 से 7 बजे तक शाम को यात्रा करते थे, शाम तक यात्रा करते थे, फिर किसी एक गांव में रात्रि विश्राम किया करते थे और सुबह फिर अगले गांव के लिए निकल पड़ते थे। कभी कभी तो यात्रा के दौरान रात्रि में 8 भी बज जाते थे और कभी कभी 9 और 10 भी बज जाते थे।
घने जंगलों से होती हुई हमारी यात्रा अपने लक्ष्य तक पहुंची। कई नदियों और नालों को पार करती हुई, छोटे छोटे पहाड़, टोरिया, मैदानी भाग व खेतों से होती हुई हमारी यात्रा जारी रही। दूरी अधिक होने के कारण व पैदल यात्रा में हम लोग कुछ यात्रा रूट से करी और कुछ यात्रा पर्वतों, पठारों और मैदानी भाग व दुर्गम रास्तों से होते हुए हम प्रत्येक गांव व टोला तक पहुँचे। हमारे यात्री ऐसे गांव तक पहुँचे हैं जो पहाड़ों व जंगलों के बीच में बसी हुई हैं। कहीं कहीं रास्ते भी नहीं हैं। कुछ ग्रामीण खेतों में बस गए हैं। उनसे भी हमने जाकर संवाद किया। यात्रा के द्वारा लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को सुनना व उनको लिखना, ताकि हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को इन समस्याओं से अवगत कराया जा सके, जिससे हमारे गोटेगांव विधानसभा के प्रत्येक गांव का विकास और किया जा सके। सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनसे ग्रामीण जन संतुष्ट हैं और खुश भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो भी कमी शासन प्रशासन की या सरकार की रही है, उसको हमने स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यात्रा के द्वारा ग्रामीणों के माध्यम से हमारे इस पैदल यात्रा को सराहा गया व प्रोत्साहन दिया गया, और कार्यकर्ताओं ने भी समय समय पर व गांव गांव में स्वागत और सहयोग और सम्मान दिया। पैदल यात्रा का अपना एक अलग ही आनंद और अनुभव होता है। हमारी गोटेगांव विधानसभा के लगभग 400 गांवों की जीवन शैली को हमने बहुत ही करीब से महसूस किया, उसको जिया। उसके साथ साथ ग्रामीणों के साथ साथ उठना बैठना, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से अवगत होना हमारा ये अनुभव रहा है। हमारी गोटेगांव क्षेत्र में बहुत सा वनवासी आदिवासी क्षेत्र का भी रहा है, जिसकी जीवन शैली से हमें अवगत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने जाना कि पर्यावरण का संदेश, पर्यावरण को बचाने में, संरक्षण में हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोगों की अहम भूमिका रहती है। असल मायनों में प्रकृति, जंगलों व वनों की रक्षा हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोगों के द्वारा की जा रही है। जंगल है तो कल है, और कल है तो हम हैं। इस प्रकार गांव व पेड़ पौधों और वन संपदा की कीमत हमने कोरोना काल में जानी। अगर हमारे ग्राम नहीं होते तो क्या होता, यह हमें कोरोना के दौरान पता चला, क्योंकि लोग गांव-गांव जाकर बसे जहां कोरोना का प्रभाव काफी कम था। एक महापुरुष के द्वारा भी कहा गया है कि हमारा भारत गांव में बसता है। अगर आपको किसी शहर, राज्य या देश को जानना है तो पहले गांव को जानना होगा। हमारी पूरी पैदल यात्री की टीम के द्वारा ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, जिससे हमने लोगों को वृक्ष लगाने, जंगलों को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया, और प्राकृतिक संपदा जैसे पेड़ पौधे, जंगल, पशु पक्षी, नदी, तालाब, झरने, खेत खलियान, क्योंकि ये हैं तो मानव जीवन संभव है। प्रकृति संरक्षण ही जीवन का मूल आधार है, और प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। वर्तमान में जैविक खेती ही एकमात्र हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि रासायनिक खेती का हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं हम फसलों में होने वाले रासायनिक स्प्रे से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। गोबर की खाद को उपयोग करके हम अधिक पैदावार कर सकते हैं, ऐसा संदेश हमारी टीम के द्वारा ग्रामीणों को दिया गया। उसके बाद नशा मुक्ति पर भी हमने बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में नशे की लत आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर रही है।
जो राष्ट्र निर्माण में सहायक होती हैं। कैसी हम नशे से दूर रहें व समाज में जो व्यक्ति नशा करता है उसका क्या सम्मान रहता है, उसका परिवार आर्थिक तंगी व मानसिक रूप से प्रभावित होता है। ऐसी नशा मुक्ति की बारीक मुद्दे पर ग्रामीणों से चर्चा हुई, जहां पर हमने लोगों को प्रोत्साहित किया कि नशे से दूर रहें, अपनी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगाएं, जैसे बच्चों की शिक्षा, समाज कल्याण के कार्य, जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सके। जन संवाद पदयात्रा, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, जनता से संवाद करना, अर्थात एक ऐसी यात्रा जिसमें आम जनमानस से सीधा संवाद किया जा सके। यह यात्रा 4 नवंबर से 17 दिसंबर तक चली, जिसे गोटेगांव में श्री देव ठाकुर बाबा जी के मंदिर से पूजन उपरांत प्रारंभ किया गया, जो प्रथम ग्राम गर्रा से होती हुई नर्मदा जी के तटीय ग्रामों जैसे गंगई, करेली, झांसी घाट होते हुए मवई पिपरिया और बनग्राम से होते हुए लाठगांव, कुंडा, झोंत, खुर्सीपार, चंडाल, डुंगरिया, गोगावरी, कोदरास, चार बहरिया, भूरी खो, रातामाटी, नारिया, ढारिया, गौर छापार, डांगी ढाना, पांजरा, मुगवानी, पाठा, गोरखपुर, उसरी, पिंडरई, पटनिया, बरहटा, बेदू, बावली, बेलखेड़ी, शेड, नयागांव, छींदावानी, जटलापुर, करकबेल, मुगली, शिवनी, चांदनखेड़ा, बगासपुर, शाकल, राखी, भैंसा, कमूच, चरगुआ, पोनिया, कुकला, सिमरिया से होते हुए बगलई में अंतिम ग्राम पूर्ण किया और 17 दिसंबर को यात्रा का समापन गोटेगांव में किया गया। इस यात्रा को पूरा करने में आप सभी साथियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन व सहयोग रहा है। यह यात्रा हमारे साथियों को बहुत कुछ सिखा कर गई और हम सभी ने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सम्माननीय केंद्रीय मंत्री भाई साहब श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का और नरसिंहपुर के विधायक सम्माननीय श्री जालम सिंह पटेल जी का और उन सभी कार्यकर्ता व ग्रामीण जनों का जिन्होंने इस यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। हम सभी ग्रामवासियों और सहयोगियों के ऋणी व सदा आभारी रहेंगे। उन्होंने हमें इस यात्रा में सहयोग व सम्मान दिया। वरिष्ठ जनों व बड़े बुजुर्गों का हम आदर व सम्मान करते हैं और पूरे यात्रियों की तरफ से गोटेगांव विधानसभा के पूरे ग्रामीणों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।